This life is really unique. Sometimes there are tensions for this, sometimes there are tensions for that. Sometimes it gives us opportunities, while at other times it makes us lose out on opportunities. So, you may or may not get relief elsewhere in life, but with Aditya Birla Sun Life's Tax Relief 96, you're sure to get an income tax relief. With Aditya Birla Sun Life's Tax Relief 96, you can now save up to 53,820 rupees annually. And you even stand a chance to gain returns on your investment. The lock-in period for this is only 3 years, which is much less than your other tax-saving methods. It's said that money saved is the money earned. So say goodbye to tension with this wonderful opportunity. As this life has given you Aditya Birla Sun Life's Tax Relief. Aditya Birla Capital. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Hi friends, welcome back to Utta Paisa. दोस्तों जैसे कि हमने अपने last video में आपसे बात की थी कि इस video में जो topic हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, हम आपको बात करेंगे कुछ measurement tools जिनके basis पे आप अपने mutual fund की selection करते हैं. तो क्या वो मेजरमेंट टूल्स जो हैं जिनके बेसिस पे आप अपने म्यूचुअल फंड की सिलेक्शन करते हैं वो सही हैं या उनसे भी एक्यूरेट कोई टूल हम देख सकते हैं, इन चीजों पे कुछ हम बात करेंगे. लेकिन दोस्तों जब हम इस टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, इससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं. जैसे कि लेट्स से आई टेल यू अ स्मॉल स्टोरी. वन डे लेडी गेट अ इनविटेशन टू फॉर अ पार्टी. अब वो लेडी जाने के लिए जब तैयार होने लगती है तो वो अपना वार्डरोब जब खोलती है तो उसमें उसको बहुत ही तरह के सूट्स मिलते हैं और बहुत ही तरह के सैंडल्स मिलते हैं जिनको कि डिसाइड करने में उसे बहुत ही दिक्कत होती है. फाइनली आफ्टर ए लॉन्ग थॉट, आफ्टर ए डीप थॉट, वो एक अच्छा सा पेयर अपने लिए सिलेक्ट कर पाती है जिसे पहन के वो उस पार्टी में जाना चाहती है. बट दोस्तों ये थारा थॉट जो भी उसने अपने पेयर्स को चूज करने के लिए लगाया था तब बेकार हो जाता है जब बाहर जाके उसे ये पता लगता है कि आज टैक्सीज का स्ट्राइक है एंड शी नीड टू वॉक डाउन टू मेट्रो स्टेशन. वो उस चीज के लिए तैयार नहीं थी. तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम जितने भी तरह के मेजरमेंट टूल्स अप्लाई कर ले, देर आर सम फैक्ट्स विच आर स्टिल लेफ्ट ओवर एंड उनके लिए हम तैयार नहीं होते हैं. तो फिर भी हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा जो भी सिलेक्शन क्राइटेरिया हो वो हमें मैक्सिमम नॉलेज दे. तो चलिए दोस्तों आज हम आपसे जो बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे मेजरमेंट टूल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे हमें म्यूचुअल फंड की रिटर्न मिलती है. इंडस्ट्री हमें किस तरह के टूल्स से रिटर्न प्रोवाइड करवा रही है वो भी जानने की कोशिश करेंगे बीच में. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास इंडस्ट्री में कितने तरह के टूल्स हैं जो हमें ये मेजरमेंट्स बताते हैं. इनमें से बहुत ही कॉमनली नोन है CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जो कि हम सब जानते हैं, हमें हर जगह देखने को मिलता है. जो सेकंड है वो है रोलिंग रिटर्न्स. बहुत ही कम मार्केट में इसकी नॉलेज है और इसकी अवेलेबिलिटी भी हमें कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस नहीं प्रोवाइड करता है. जो तीसरा है वो है ट्रेलिंग रिटर्न. जो चौथा है वो है पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स. हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे. CAGR जो कि बहुत ही कॉमनली नोन है इस इंडस्ट्री में, हर कोई इस चीज को जानता है, इस करके हम CAGR पे आपसे ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं. जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है रोलिंग रिटर्न, जो कि आज की डेट में बहुत ही तेजी से पॉपुलर हो रहा है लेकिन अभी ये कम नोन है और कोई भी इंडस्ट्री में म्यूचुअल फंड इसके हिसाब से अपनी एवरेज नहीं प्रोवाइड कर रहा है. दोस्तों जब भी हम म्यूचुअल फंड की एवरेज की बात करते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि म्यूचुअल फंड ने पिछले 3 साल में इतना रिटर्न दिया, पिछले 5 साल में इतना रिटर्न दिया, 3 महीने में, 6 महीने में, इस तरह की रिटर्न बहुत ही कॉमनली होती हैं. लेकिन जो यहाँ पे फैक्टर
म्यूचुअल फंड कंपनी स्टैंड अलोन कंसिस्ट कर रही होती है, उसको मान रही होती है, वो ये है कि जो ये रिटर्न है वो इस चीज पे बेस्ड है कि अगर आप 3 साल की रिटर्न देख रहे हैं तो आज से एग्जैक्टली 3 साल पहले इसी दिन इस फंड का रिटर्न कितना था और अब इसका नैव कितना आ चुका है, उसके बेसिस पे ये कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि अगर हम आज लेट्स से आज की डेट है 1 जनवरी 2018 और हम 3 साल पहले की रिटर्न को देखना चाहते हैं तो कंपनी एग्जैक्टली 3 साल पहले 1 जनवरी 2015 को जो उनके फंड की नैव थी उसमें कितना एप्रिसिएशन हुआ 2018 तक पहुंचते हुए उसको कंसीडर करके हमें डेटा देती है। लेकिन रोलिंग रिटर्न्स जो है दोस्तों, रोलिंग रिटर्न हमें हर एक दिन का एवरेज रिटर्न जो है उसे कैलकुलेट करती है और हमें एक डेटा प्रोवाइड करती है जिसके बेसिस पे हमें म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन आसान हो जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं रोलिंग रिटर्न अगर हमें 3 साल का चाहिए तो वो 1 जनवरी 2015 को जो नैव थी उसके अगेंस्ट 1 जनवरी 2018 को जो नैव है उसका रिटर्न निकालेगी। उसके बाद वो 2 जनवरी 2015 का जो नैव है उसके अगेंस्ट 1 जनवरी 2018 का नैव चेक करती है। तो दोस्तों ये कुछ कैलकुलेशन है जो कि वो टेक केयर करती है बिफोर दे केम अप विद एवरेज रिटर्न कि आपके म्यूचुअल फंड ने कैसा रिटर्न दिया है। चलिए दोस्तों इसको और डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, इस पे और थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि ये काम कैसे करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने एग्जांपल लिया है एक रोलिंग रिटर्न का और एक ट्रेलिंग रिटर्न का ऑफ ए सेम फंड। हमें रोलिंग रिटर्न बेटर अंडरस्टैंडिंग कैसे दे रही है दोस्तों, जब हम रोलिंग रिटर्न की तरफ देखते हैं तो हमें उसमें एक एवरेज रिटर्न मिल रहा है, यानी कि 3 साल का एक एवरेज रिटर्न हमारे फंड हाउस का है 15.7। एक मिडन रिटर्न मिल रहा है जो कि 14.97 है। दोस्तों इसके आगे जैसे ही पढ़ते हैं वो हमें एक बताता है कि मैक्सिमम रिटर्न इस फंड ने जो हमें दिया है वो 22.75 का दिया है। लेकिन दोस्तों इससे आगे वाला जो कॉलम है वो हमारे लिए ज्यादा ज्यादा जरूरी है अंडरस्टैंड करना। आगे हमें इसकी प्रोबेबिलिटी मिलती है कि ये इस इतना टाइम्स इतना इतना टाइम्स इतने इतने परसेंटेज रिटर्न्स हमें ऑफर कर रहा है। यानी कि जैसे हम देख सकते हैं 5 से 10% का रिटर्न इस फंड हाउस ने हमें 2.48% दिया है, यानी कि 2.48 टाइम्स हम ये मान सकते हैं कि हमें जो हमारी रिटर्न होगी वो किसी भी एग्जिस्टिंग सिनेरियो के अंदर 5 से 10% में ही रहेगी। लेकिन 10 से 15 की जो रिटर्न है जैसे कि आप देख सकते हैं वो 47% है, यानी कि हमारी प्रोबेबिलिटी हम किसी भी टाइम में अपने फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न गेटिंग 10 to 15%, उसकी 10 से 15% की रेंज में आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 47% है। तो ये हमारे फंड की एक हेल्दी रिटर्न है दोस्तों। वहीं हमने आपको इसी एग्जांपल में नीचे दिखाया है ट्रेलिंग रिटर्न, यानी कि इस फंड का एक नॉर्मल रिटर्न पैटर्न जब हम ले रहे हैं तो वो हमें ये दिखा रहा है कि 1 साल में हमारे फंड की रिटर्न जो है वो 21.60 है, वहीं 3 साल में वो 9.10 है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिए हम हमेशा म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हैं और अगर लॉन्ग टर्म में हमारी रिटर्न सिर्फ 9% आ रही है that to access long term यानी कि हमारा tax saving fund के अंदर, तो वो हमारी expectation से थोड़ा कम हो जाती है। तो fund selection criteria हमारा जो है वो rolling return basis पे ज़्यादा accurate हो सकता है और उसी basis पे हम उस fund को ले सकते हैं। 5 साल में जैसे कि हम देख सकते हैं हमारी return 22% की है। मोस्टली लोग 5 साल और 3 साल की रिटर्न को फैक्टर को कंसिडर करते हुए इस फंड का सिलेक्शन करते हैं, पर दोस्तों हमारे हिसाब से इस फंड का रिटर्न 3 साल का भी 10 से 15% की रेंज का आना चाहिए अगर हम रोलिंग रिटर्न बेसिस पे इसको कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों यही कुछ कैलकुलेशन क्राइटेरिया है जो हमारे फंड के सिलेक्शन को बदल देते हैं। दोस्तों
जो हमें एक चीज ध्यान रखने वाली है वो ये है कि कोई भी मेजरमेंट टूल जो है वो हमारी समझ को, उस फंड की सिलेक्शन की समझ को बढ़ाने के लिए प्रोवाइड किया गया है, लेकिन फिर भी अलग अलग मेजरमेंट टूल अलग अलग फैक्टर्स को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। तो कई कई बार ऐसा होता है कि हमारे से कुछ कुछ चीजें उस टूल के अंदर नहीं कैप्चर होती हैं और वो कभी कभार स्पॉन्टेनियस आ जाती हैं, तो हमें उस चीज के लिए भी तैयार रहना चाहिए। दूसरी चीज दोस्तों, मेजरमेंट टूल अपनी जगह है, आप अपने फंड्स को अच्छे से मेजर करते हैं, लेकिन आपका म्यूचुअल फंड अच्छे से मैनेज आपके फंड मैनेजर ही कर रहे हैं और वो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को कैटर करते हैं। उनके मार्केट के अप्स एंड डाउन को कैटर करने के टूल्स अलग हैं, हम ये नहीं कह सकते कि किसका टूल अच्छा है या किसका टूल बुरा है, लेकिन जिस चीज से हमें ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि जो मेजरमेंट टूल हम अपने म्यूचुअल फंड के सिलेक्शन के टाइम पे यूज करते हैं वो हमें एक एक्यूरेट पिक्चर हमारे डेटा की दिखाए। ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों कि हमें हमारा फंड मैनेजर एक दिखाता है 44% की रिटर्न और दूसरा दिखाता है 22% की रिटर्न, लेकिन वही रिटर्न अगर हम अपनी रोलिंग एवरेज से देखते हैं तो चेंज हो जाती है, जिससे कि हमारा डिसीजन चेंज हो जाता है। तो दोस्तों यही था हमारा आज का टॉपिक और हमने आपको इस टॉपिक के थ्रू आपको अपने मेजरमेंट टूल जो कि आप यूज कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा चेंज लाने के लिए एडवाइस किया है, सो दैट आपको कल की डेट में आपका फंड सिलेक्ट करना आसान हो। दोस्तों हमारी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए और अगर आपको हमारे से कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको कि आप उनसे पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।